सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण मरोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गढ़वाली पकवान में भट्ट का भटवाणी। ये हैं सोयाबीन भट्ट, जिनको हम गढ़वाली में बोलते हैं भट्ट और सोयाबीन। इनको मैं पहले क्या करूँगी, इनको मैं पहले भूनूँगी कढ़ाई में बिना तेल का, ऐसे ही रोस्टिंग करूँगी इसको। ज़्यादा है इसलिए मैं इनको कढ़ाई में ही भून लेती हूँ। अब ये भून चुके हैं और अब मैं इनको थाली में उतारूँगी और थोड़ी देर तक ठंडा होने दूँगी। उसके बाद इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। अब ये ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इनको ग्राइंडर में पीस लूँगी। ये हमने पीस लिया है, इसको मैंने बारीक पीस लिया है और अब मैंने इसके लिए जो है गर्म पानी कर रखा है। और टमाटर भी कट कर रखे हैं इसमें ये। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जितना मुझे बनाना है इसमें मैं जो है ये पाउडर इसमें डालूँगी पानी में। ये मैंने डाल दिया है इसको पानी में और इसी में मसाले भी मिला लेंगे। ये धनिया पाउडर, ये हल्दी, ये मिर्च, और नमक बाद में डालेंगे और इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे पानी में। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करने तेल हमारा गर्म हो गया, मैं जख्या डाल दूँगी इसमें, थोड़ा जीरा भी डाल दूँगी और टमाटर कट करे हुए इसमें डाल दूँगी। फ्लेम मीडियम रखें, थोड़ी देर तक टमाटर को पकने दूँगी मैं। टमाटर हमारे पक गए हैं, आप इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। और अब मैं ये डाल दूंगी इसमें, इस तरह से डाल दें। अगर पानी और ऐड करना चाहें तो करें। अब मैं जो हूँ स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। और अब मीडियम फ्लेम में इसे बनने देंगे। ये भटवाणी हमारे पकने लग गए हैं, इसे बीच बीच में चलाते रहें। इस तरह से। और अब ये पक गया है, अब मैं इसे फ्लेम से उतार लूँगी। इसमें मैं धनिया पत्तियाँ डालूँगी इस तरह से। बन गई हमारी भटवाणी और भात। ये सलाद है, खीरा टमाटर, ये अचार है मूली और गोभी गाजर का।
तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।